तो कहानी की शुरुआत में देखवाते हैं एक आदमी एरिक को जो कि यह शेरिफ होता है, और घर के अंदर एक परिवार को देखवाते हैं जो कि ये सब बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। ये लड़की का नाम है जेसिका और उसके फादर का नाम है थॉमस। यहाँ पे जेसिका के बॉयफ्रेंड को देखवाते हैं और इसका नाम है बॉबी, और यह कैथरीन जो कि थॉमस के फियांसी होती है। और आज की रात थैंक्सगिविंग की रात है और थॉमस के पास तो एक शॉप होता है जो कि यह आज की रात अपने न्यू शॉप को ओपन करने वाला होता है। और यह मेज जो कि थॉमस के शॉप में काम करता है, और यह है मेज की पत्नी। और यहाँ पे तो शॉप के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये साफ के साफ शॉप की ओपन होने के इंतजार में होते हैं। और यहाँ पे शॉप के अंदर दिखवाते हैं कि वेफल आयरन फ्री मिलेगा। जो भी पहले के 100 कस्टमर्स इस शॉप के अंदर आएंगे उन सबको ये फ्री मिलने वाला है, और इसलिए शॉप के बाहर तो बहुत ही ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। और ये साफ के साफ तो शॉप के खोलने के इंतजार में होते हैं, कब शॉप खोले और ये साफ फ्री का माल लूटे। घर के अंदर तो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं, तब बाहर तो इनके दोस्त आ जाते हैं। कार के अंदर इनके दोस्तों का नाम होता है केविन, इवान, यूलिया और स्कूबा, जो कि ये सब मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं, तब ये सब दिखवाते हैं कि शॉप के बाहर तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ये सभी शॉप के पास कुछ खरीदने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे जेसिका अकेली हो जाती है, तब इसके पास एक लड़का आ जाता है जो कि इसका नाम होता है रायन। और ये तो जेसिका को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है, इसके साथ जबरदस्ती करते हुए बातें करके इसको एक पार्टी में आने के लिए बोलता है। ये तो पार्टी में जाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन रियान तो इसको बातों से फुसला के पार्टी में आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पे बॉबी आ जाता है और जेसिका तो बॉबी के साथ चली जाती है, ये तो अकेला हो जाता है। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, इन सबको तो शॉप के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा होता है, तब ये सब तो शॉप के अंदर घुस जाते हैं। बिना शॉप ओपन हुए ही ये सब तो अंदर घुस जाते हैं, तब भीड़ में इकट्ठे हुए लोग उन सबको देखने के बाद गुस्से में आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पहले अंदर घुसने दिया गया। शॉप के अंदर कई सारे एम्प्लॉय होते हैं जो कि शॉप कुछ ही देर में खुलने वाला होता है। शॉप के बाहर भीड़ में इकट्ठे हुए लोग तो शॉप के अंदर घुसने के लिए उतावले हो रहे होते हैं, और भीड़ तो गुस्से में आके बैरिकेड तोड़ के शॉप के अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाते हैं। यहाँ पे तो अफरा तफरी मचने लग जाता है और सारे के सारे लोग दरवाजे को तोड़ फोड़ के अंदर घुसने में लग जाते हैं, और एक सिक्योरिटी गार्ड तो नीचे गिरने की वजह से ये पैरों की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह से कुचल के मर जाता है। यहाँ पे लोगों के ऊपर चोटें भी आने लग जाते हैं, लोगों के ऊपर काबू नहीं रहा, ये सब चीजों को लेने के लिए मारपीट भी करने लग जाते हैं। और यहाँ पे तो इवन इन सब की मजे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसको तो बड़ा मजा आ रहा होता है। ये आदमी तो मारने की कगार पर होता है, लेकिन ये इस चीज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। और बॉबी तो इस आदमी को बचाने के लिए आ रहा होता है, तब ये तो खुद मुसीबत में आ जाता है, इसके हाथ को कोई एक पैरों से कुचल के तोड़ देता है। मिस की बीवी तो नीचे पड़ी हुई है, इसकी तो डर के मारे फाटी फाटी होती है, कहीं उसको कोई कुचल ना दे, और तब इसके ऊपर अनजाने से हमला हो जाता है और ये तो मर जाती है। यहाँ पे मिच अपनी पत्नी को मारी हुई देख ये तो बुरी तरह से रोने लग जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग जख्मी होते जा रहे होते हैं, तब ये शेरिफ तो गोली चला के सबको शांत करता है। उसके बाद हम एक साल के बाद की सीन को दिखवाते हैं, जिसमें कि कोई तो एक उस शॉप के फुटेजेस को देख रहा होता है। फिर दिखवाते हैं कि बाहर तो उस शॉप को बंद करने की मांग चल रही होती है, लोग उस शॉप को बंद करने की कोशिश में लगे होते हैं, क्योंकि एक साल पहले उस शॉप के अंदर कई लोग मर गए, कईयों की परिवार उजड़ गई, और उनमें से यह मिस भी होता है जो कि उसकी पत्नी मर गई थी। यहाँ पे न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि राइट फैमिली ने कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए हैं, और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि बॉबी तो एक बेसबॉल प्लेयर था जो कि एक साल पहले उस शॉप पर उसका हाथ टूट जाने पर वो फिर बेसबॉल खेल नहीं पाया। और यहाँ पे फिर से एक साल बाद थैंक्सगिविंग आ रहा है, और यहाँ पे इन सब को दिखवाते हैं जो कि इन सब को तो कोई एक वीडियो में टैग कर रहा होता है। और यहाँ पे रियान को दिखवाते हैं जो कि इसको तो जेसिका ने खाने पे इनवाइट करी होती है, जो कि रियान और जेसिका अब रिलेशन में होते हैं। यहाँ पे ये सब इकट्ठे होते हैं, तब जेसिका तो बॉबी को दिखवाती है, जो कि बॉबी तो इन सब से बात न करते हुए चला जाता है। बॉबी एक साल से जेसिका से बात नहीं की, और यहाँ पे तो कोई एक इन सब को टैग करके खाने में इनवाइट किया होता है। यहाँ पे रियान आ जाता है, ये सब बड़े मजे में बातें कर रहे होते हैं, तब जेसिका तो एक आदमी को दिखवाती है, जो कि वो आदमी तो मास्क पहना हुआ होता है, और जेसिका तो उस आदमी को देख उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो तो इग्नोर करती है। और दिखवाती है कि ये औरत तो इस शॉप में काम करती है, जो कि ये औरत एक साल पहले इस शॉप के अंदर आई थी, और इस औरत को तो कोई एक आदमी देख रहा होता है, और ये तो हथियारों को धार करने लग जाता है। रात हो जाने के बाद शॉप बंद हो जाने के बाद ही औरत तो दिखवाती है कि उसके पास तो एक मास्क होता है।
ये तो टेंशन फ्री हो के मास के पास आने के बाद मास को पहनने लग जाती है। और फिर ये तो मास को पकड़ के मास को फेंक के घर की ओर जाने की तैयारी कर रही होती है, तब यहाँ पे कोई एक आदमी आके इसके ऊपर बुरी तरह से हमला करने लग जाता है। इसको पानी के अंदर डुबा डुबा के तड़पा तड़पा के मारने लग जाता है और ओवन के अंदर घुसा के इसको बुरी तरह से टॉर्चर करने लग जाता है। ये तो बुरी तरह से चिपकी हुई होती है, तब ये आदमी तो कुल्हाड़ी पकड़ के इसको काट के मारने ही वाला होता है, लेकिन ये तो किसी तरह से बच जाती है और बस के अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाती है। फोन का स्क्रीन भी काम नहीं कर रहा होता है, इसकी तो डर के मारे फटी फटी होती है, चेहरा तो बुरी तरह से बिगड़ जाने की वजह से फोन का लॉक भी नहीं खुल रहा होता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वह अब क्या करे, करे तो क्या करे, अपनी जान बचाने के लिए क्या करे। और तब ये तो किसी तरह से चुपके से शॉप से बाहर आ जाती है और कार की चाबी ढूंढने में लगी होती है। तब हम देख पाते हैं कि कार के अंदर तो ये आदमी होता है जो कि इस औरत को कार से बुरी तरह से कुचल के मार डालता है। सीन चेंज होके सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये शेरिफ तो इन्वेस्टिगेट करते हुए देख पाता है कि उस औरत की बॉडी को किसी ने ऊपर लटका दिया होता है। शायद वो कातिल नहीं, इस औरत को मार के उसकी बॉडी को यहाँ पे लटका दिया है। ये सब स्कूल के अंदर होते हैं, तब वो किलर तो फिर से इन सब को टैग करता है, जो कि टैग करने वाले का नाम होता है जॉन कार्वर। और ये सब देख पाते हैं कि टेबल के ऊपर तो इन सब के नाम लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये सब पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेट करते हुए कातिल को ढूंढने में लगे होते हैं और वो कातिल तो ये मास्क पहना हुआ होता है और इसी तरह के मास्क बहुत सारे लोग पहन रहे हैं और इसीलिए इनके लिए कातिल को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर देख पाते हैं कि ये सारे वो किलर के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। और जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है, तब वो देख पाती है बॉबी को, जो कि बॉबी तो जेसिका से बात करने की कोशिश करने लग जाता है और ये दोनों हंसते मुस्कुराते हुए चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे रियान आ जाता है और रियान तो जेसिका को लेके जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये कातिल तो इस लड़के के ऊपर नजर गड़ाता है, जो कि लड़का तो एक साल पहले उस शॉप के अंदर जब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई थी तब ये तो डर के मारे अपनी जान बचा के भाग गया था और ये तो कहीं वेकेशन में जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, बड़े मजे में तैयारी कर रहा होता है। तब वो दिख पाता है कि उसके घर के अंदर तो ये मास्क होता है। मास्क को देखने के बाद ये तो समझ जाता है कि ये तो खतरे में है, इसकी तो डर के मारे फटी पड़ी होती है। तब वो किलर को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं, सामने आओ। और तब ऐसे बोलते ही इसके ऊपर तो हमला हो जाता है। ये कातिल तो बुरी तरह से इसके सर को धड़ से अलग कर देता है और सर को बैग के अंदर घुसा के बिल्ली को खाना दे के निकल जाता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये कातिल तो सर को प्लेट में सजाता है और ये कातिल तो उस औरत की बॉडी को भी यहाँ पे सजा के रखा होता है। और सुबह हो जाने के बाद यहाँ पे जेसिका ये पिक्चर को देख पाती है, जो कि कातिल ने इसको भेजा होता है। ये देखने के बाद तो पुलिस वाले और ज्यादा चौंकाने होके इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। जेसिका तो पुलिस स्टेशन के अंदर ये फुटेजेस को देख रही होती है, तब उसको लग रहा होता है कि वो कातिल शायद रियान है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर ये पुलिस वाला रियान की पिक्चर को देखने के बाद इन सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद रियान ही वो कातिल है, क्योंकि ये पुलिस वाला जब रियान से पूछताछ कर रहा था तब रियान तो कुछ छुपा रहा था और इसी के वजह से ये पुलिस वाले को लग रहा होता है कि रियान ही वो कातिल है। लेकिन इससे तो कन्फर्म नहीं होता कि रियान ही वो कातिल है। यहाँ पे पांचों इकट्ठे होते हैं, तब रियान के बारे में बातें करने लग जाते हैं। जेसिका और इवान को लग रहा होता है कि रियान ही वो कातिल है, लेकिन स्कूबा को लग रहा होता है कि बॉबी कातिल है, क्योंकि बॉबी आजकल स्कूल नहीं जा रहा, वह हर वक्त ट्रक चलाते रहता है। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि ये लड़का एक साल पहले राइट मार्ट के शॉप के अंदर इसी ने ही दंगे की शुरुआत की थी, इसी के वजह से शॉप के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। ये ट्रेनिंग देने में बिजी होता है, तब एक लड़की इसको चुपके से बुलाती है। ये लड़की को देख के अपने आप के ऊपर काबू तो बिल्कुल कर नहीं पाता और लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये लड़की तो उछल उछल के इसको एंटरटेन कर रही होती है, ये देख के तो इसको बड़ा मजा आ रहा होता है। ये लड़की तो मजे में उछल उछल के मजा प्रोवाइड कर रही होती है, तब ये लड़का तो मारा जाता है, इसको ये कातिल तो मार डालता है। और ये सब लड़की को तो बिल्कुल खबर नहीं होता, ये लड़की तो मजे में उछलते जा रही होती है और तब ये लड़की भी पूरी तरह से मारी जाती है। यहाँ पे स्कूल के अंदर देख पाते हैं कि ये दोनों मजे करने के लिए स्कूल के अंदर की ओर जा रहे होते हैं, तब जेसिका तो गेट के सामने खड़ी हुई होती है। ये दोनों मजे में चलते चलते जा रहे होते हैं, तब इनको तो कोई किडनैप कर लेता है।
शायद वो कातिल ने इन दोनों को किडनैप कर लिया। और जेसिका को तो ये सब बिल्कुल पता नहीं होता। फिर ये तो उन दोनों को फुकरने लग जाती है, फुकरते फुकरते अंदर की ओर आने लग जाती है। और तब ये देख पाती है कि उनका फोन तो नीचे पड़ा हुआ है। फोन को पकड़ने के बाद वो देख पाती है कि किलर तो ठीक उसके पीछे है। और किलर तो सर को धड़ से अलग करने के लिए हमला करता है, लेकिन जेसिका तो किसी तरह से बच के भागने लग जाती है। अपनी जान बचा के भागते भागते छुप जाती है। ये किलर तो अंधाधुंध हमला करने लग जाता है और जेसिका तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपी हुई होती है। और ये कातिल तो जेसिका को ढूंढने लग जाता है। जेसिका तो किसी तरह से बच के भागने में कामयाब हो जाती है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि यूलिया की बाप तो यहाँ पे आने के बाद इसको इस शहर से बाहर ले जाने के लिए यूलिया को घर की ओर लेके जाता है। और यहाँ पे तो जेसिका और क्यूवा अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाती, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हथियार लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। और ये आदमी तो इन दोनों को एक पिस्टोल देता है ताकि कातिल इनके ऊपर हमला करे तो ये दोनों अपनी जान बचा सके। ये दोनों पिस्टोल लेके कार से जा रहे होते हैं। तब क्यूवा तो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में वीडियो कॉल से बातें कर रहा होता है। ये तो शहर छोड़ के नहीं जाना चाह रही होती है, लेकिन उसका बाप तो जबरदस्ती तरीके से इसको शहर से बाहर ले जाने की जिद में होता है, क्योंकि ये सेफ रहे ये जाने की तैयारियां कर रही होती है। तब हम देख पाते हैं कि इनके घर में ये कातिल आ जाता है। यूलिया का बाप तो नीचे आने के बाद वो देख पाता है कि नीचे तो ये पुलिस वाला मारा पड़ा है और ये कातिल तो इसके ऊपर भी हमला कर देता है और यूलिया के कमरे के अंदर भी आ जाता है। लेकिन इसको तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये कातिल उसके कमरे के अंदर है। ये तो माजिए में बातें कर रही होती है। तब ये कातिल तो पीछे से आके इसके दोनों कानों को फोड़ देता है। और ये सब ये दोनों देखने के बाद तो यूलिया के घर में यूलिया को बचाने के लिए आ जाते हैं। और दोनों घर के अंदर घुस के दिख पाते हैं कि कातिल ने यूलिया को दबोच लिया है। और इस कातिल के पास तो केवी और इवान दोनों होते हैं और ये बोल रहा होता है कि उसे जाने दें, नहीं तो इन दोनों को मार देगा। और ये कातिल तो यूलिया को धकेल के यहाँ से भाग जाता है, लेकिन यूलिया तो दर्दनाक तरीके से मर जाती है, बच नहीं पाती, बिल्कुल बच नहीं पाती। उसके अंदरियां बाहर निकल आ जाते हैं। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल चल रहा होता है और ये सब तो कातिल को पकड़वाने के लिए पुलिस का साथ दे रहे होते हैं। यहाँ पे परेड हो रहा होता है, सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए परेड को एंजॉय करने में लगे होते हैं। और तब यहाँ पे पुलिस वाले तो जो भी मास्क पहना हुआ है उन सबकी तलाशी लेने लग जाती है। सारे के सारे लोग थैंक्सगिविंग को एंजॉय करने में लगे होते हैं। तब देख पाते हैं कि ये जोकर तो इस तोते की सर को काट के से अलग कर देता है, इसको पूरी तरह से मार डालता है। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे तो अफरा तफरी मच जाता है और ये कातिल तो इन तीनों को बेहोश करके ले जाता है। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैथरीन तो इस कातिल के सामने होती है। ये कातिल कैथरीन को भी किडनैप करके यहाँ पे लाया होता है और ये कातिल तो इसके बॉडी के ऊपर तेल लगाने लग जाता है। और कैथरीन तो होश में आ जाती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तब वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये कातिल आखिर उसके साथ करना क्या चाहता है, उसके ऊपर क्यों ऐसे नमक मसाले लगा रहा है। यह कातिल तो इसको जिंदा ही भून डालने के लिए इसके ऊपर तेल नमक मसाले लगाने लग जाता है। यह किलर तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। और फिर यह वापस आने के बाद वो दिख पाता है कि कैथरीन तो भाग गई। और दिख पाते हैं कि कैथरीन तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपी हुई होती है। यह किलर तो कैथरीन को ढूंढने में लगा होता है। तब कैथरीन तो किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती है और इसको तो बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है। और तब ये दिख पाती है कि एक लड़की फ्रिज के अंदर होती है जो कि ये जिंदा है। जिंदा ही फ्रिज के अंदर वो कातिल इस लड़की को घुसा के रखा होता है। ये लड़की बोल रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन कैथरीन तो बोलती है कि तुम यहाँ पे रहो। और तब यहाँ पे ये कातिल आ जाता है। कैथरीन तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से किलर के सामने दरवाजे के पास छुपी हुई होती है। अगर किलर अंदर आया तो ये किलर के ऊपर हमला कर देगी, लेकिन किलर तो अंदर तो बिल्कुल नहीं आता, चला जाता है। इसको ऐसा लगता है, लेकिन किलर तो इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। और ये तो अपनी जान बचा के पूरी कोशिश करती है भागने की, लेकिन भाग नहीं पाती। ये किलर इसको घसीड़ घसीड़ के अंदर लाके एक बड़े से ओवन के अंदर डाल देता है ताकि ये इसको दर्दनाक तरीके से जिंदा ही फूल डाले। इसको तो गर्मी महसूस होने लग जाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे, करे तो क्या करे, अपनी जान बचाने के लिए क्या करे। जिंदा बचने की इसके पास तो और कोई चारा नहीं होता। ये तो दर्दनाक तरीके से भून रही होती है और किलर को देख बोल रही होती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारा पैर पड़ती हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से निकालो। कैथरीन की तो डर के मारे फटके चार, ये कातिल इसको बाहर तो नहीं निकालता। और ये तो दर्दनाक तरीके से छटपटा छटपटा के भून जाती है
और मर जाती है। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि वो कातिल लाइव स्ट्रीम कर रहा है और इसी की वजह से कातिल का लोकेशन ट्रैक हो जाता है। लोकेशन ट्रैक हो जाने के बाद कुछ ऑफिसर्स इस लोकेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे तो ये कातिल इन सब को बांध के रखा होता है। यहाँ पे पुलिस वाले जान पाते हैं कि वो कातिल तो बहुत चालाक है। वो कातिल इन सारे पुलिस वालों को उल्लू बना दिया होता है। उस कातिल का लोकेशन तो और कहीं है और यहाँ पे दिख पाते हैं कि इनके सामने तो ये किलर आ जाता है, जो कि किलर तो इनके लिए डिनर रेडी करके रखा होता है और ये किलर तो इनको कैथरीन की भुना हुआ बॉडी को परोसता है। और ये देखने के बाद ये सब तो पूरी तरह से बौखला जाते हैं और ये थॉमस तो ये सब देख अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उल्टी कर देता है। इन सबकी तो डर के मारे पूरी तरह से मतलब की पूरी तरह से फाटी फाड़ी होती है और ये कातिल तो एवन को पहले चुनता है मारने के लिए, क्योंकि एवन जब सोफ के अंदर अफरा तफरी मचा हुआ था तब वो सिर्फ वीडियो बना रहा था, बिना लोगों की हेल्प किए हुए वो सिर्फ मजे में वीडियो बना रहा था और इसलिए ये कातिल तो एविन के सर को दर्दनाक तरीके से कुचल डालता है और ये सब कुछ तो लाइव होता है। ये कातिल तो एविन को मार के इनके साथ बातें करने में बिजी होता है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि जेसिका तो अपने हाथ में बांधी रस्सी को खोलने लग जाती है और जेसिका के साथ स्कूबा भी अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन कातिल तो इनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये दोनों यहाँ से भागने ही वाले होते हैं लेकिन ये कातिल तो स्कूबा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेसिका तो यहाँ से दौड़ दौड़ के बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती है और दीवार को पार करने में कामयाब हो जाती है। ये तो बच जाती है और पुलिस स्टेशन के पास आने के बाद वो देख पाती है कि ये शेरिफ एरिक तो मर गया और जेसिका तो किसी को देख पाती है जो कि वो घर के अंदर घुस जाता है और ये तो साहस और हिम्मत को बढ़ा के पिस्टल को पकड़ के उस आदमी को मारने के लिए ये भी घुस जाती है। और अंदर आने के बाद वो देख पाती है कि ये तो बॉबी है जो कि ये तो थका हुआ होता है और इससे तो ये लग रहा होता है कि ये ही किलर है। और तब यहाँ पे ये शेरिफ आ जाता है। ये शेरिफ तो जेसिका को बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मैं उसको देखता हूँ। जेसिका बाहर आने के बाद ये सुन पाती है कि दो गोलियां चलती हैं। ये शेरिफ तो बाहर आने के बाद बोलता है कि मैंने उसको दो गोलियां मारी लेकिन वो तो भाग गया। यहाँ पे पुलिस वाले जेसिका को बता रहे होते हैं कि वो भी पकड़ा जाएगा। ये दो ऑफिसर्स चले जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एरिक और जेसिका होते हैं। उसके बाद जेसिका तो देख पाती है कि एरिक के जूते में तो कुछ लगा हुआ है। जब जेसिका उस घर से अपनी जान बचा के तोड़ रही थी तब उस कातिल के पैर में भी ऐसा कुछ लगा हुआ था जो कि इस शेरिफ के पैर में लगा है और इसका मतलब यह है कि यही किलर है, ये शेरिफ ही किलर है। ये जानने के बाद तो जेसिका पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। इसको पूरी तरह से पता चल जाता है कि यही किलर है तो फिर ये कोशिश करने लग जाती है कि किसी तरह से बातों से बहला फुसला के वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन तब इस शेरिफ को भी पता चल जाता है कि इसको तो पता चल गया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद तो जेसिका इसको पूछने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों को कुत्ते की तरह क्यों मार रहे हो। तब ये शेरिफ तो बताने लग जाता है कि उस रात उस सोफ के अंदर ये औरत मर गई थी, इसका नाम था अमेंडा, जो कि अमेंडा मिस को छोड़ने वाली थी और ये तो इस पुलिस वाले के साथ रिलेशन में आने वाली थी, लेकिन उससे पहले इनके वजह से अमेंडा तो मर गई, जो कि अमेंडा के पेट पे इस पुलिस वाले का बच्चा था, जो कि अमेंडा मर जाने के वजह से वो बच्चा भी मर गया और इस पुलिस वाले से परिवार छिन गया और इसलिए ये तो बदले की आग में सबको कुत्ते की मौत मारने लगा और ये तो जेसिका को भी मारने वाला है। जेसिका चालाक है, इसको मारने से पहले ये तो फोन पे लाइव स्ट्रीमिंग करने लग गई और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सबको पता चल जाता है कि कातिल कौन है। ये तो जेसिका को मारने जा रहा होता है तब यहाँ पे वो भी आ जाता है और दोनों के दोनों अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं और तब यहाँ पे ये पुलिस वाला तो इनको मारने के लिए इनका पीछा करने लग जाता है, इनको ढूंढने लग जाता है और किसी तरह से ट्रक के अंदर आने के बाद यहाँ से बाहर निकालने ही वाले होते हैं। तब वो पुलिस वाला तो इनको रोक लेता है। ये तो जेसिका को मारने जा रहा होता है लेकिन किसी तरह से बच के यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ से तो भाग नहीं पाते। ये ट्रक तो पूरी तरह से फंसा हुआ होता है, बाहर तो निकल नहीं पाते। ये तो इन दोनों को जान से मारने के लिए आगे आ रहा होता है तब जेसिका तो इस गैस भरा टेडी बियर के ऊपर गोली चला के इसको फुटा के यहाँ पे आग जला के ये दोनों भाग जाते हैं और ये ऑफिसर तो बुरी तरह से जल जाता है। ये दोनों बचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जान पाते हैं कि इन पुलिस वालों को वहाँ पे कुछ नहीं मिलता सिवाय राह के, इन सबको कुछ नहीं मिलता और यहाँ पे आदमी को दिख पाते हैं जो कि ये फायर ब्रिगेड के सूट पहन के यहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों जब सोए हुए होते हैं तब जेसिका को तो कुछ ठीक नहीं लगता। ये कवर्ड को खोल के देखती है कि कवर्ड के अंदर कौन है। तब हम देख पाते हैं कि पीछे से तो ये किलर आके जेसिका को पकड़ के ले जाता है। तब हम देख पाते हैं कि जेसिका तो एक सपना देख रही थी और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।